नमस्कार दोस्तों, काफी दिन हो गए हमारे इस चैनल पे वीडियो नहीं आ पा रही। बहुत सारे लोग बोल रहे कि रोहित भाई आप पहले ब्लॉग बनाते थे, अभी आप ब्लॉग भी नहीं बना रहे, क्या हुआ? चैनल पे काम करना क्यों बंद कर दिया? तो थोड़ा सा कुछ सबक सिखा देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये आप फोन देख रहे हो मेरे हाथ में, ये है सैमसंग गैलेक्सी M31। और इसकी जो अभी मार्केट रेट है, ये 8 GB रैम वाला फ़ोन है और मार्केट रेट अभी 22,000 रुपये इसकी हो चुकी है, लेकिन छोटी सी गलती की वजह से 8,000 का हमें चूना लग चुका है। और वो किस तरीके से लगा है वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसी वजह से हमारे ब्लॉग नहीं आ पा रहे, क्योंकि ये हमारे साथ जो हुआ है वो आपको समझना चाहिए, जिससे इन फ्यूचर आप लोगों के साथ ना हो। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, 4 महीने पहले मैंने एक फ़ोन ख़रीदा था जिसका नाम था सैमसंग गैलेक्सी M31। कैमरा काफ़ी शानदार था और मैंने ब्लॉग बनाने के पर्पज से ये फ़ोन ख़रीदा था। 4 महीने चलाया, 4 महीने बाद हुआ क्या कि ये फ़ोन गलती से पानी में गिर गया। पानी में गिरने के बाद मैं ऑफिस में था, घर पे ये फ़ोन रहता था, पानी में गिरा। तो पानी में गिरने के बाद इस फ़ोन को घर वालों ने खोल दिया था। खोलने के बाद क्या हुआ, जब मैं शाम को ऑफिस से आया तो मैंने देखा यार फ़ोन पानी में गिर गया है, खोल भी दिया है, तो मैं एक काम करता हूँ, महंगा फ़ोन है, शायद पानी से ख़राब तो नहीं हुआ होगा, ये सोच के मैं पास के दुकान वाले पर ले गया। ले जाने के बाद उसने खोल के रखा, उसने बोला रोहित भाई ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, फ़ोन ले जाना 2 दिन बाद। मैंने उस पर फ़ोन दिया और छोड़ के आ गया। 2 दिन बाद उसने कहा कि फ़ोन अभी देख रहा हूँ, ऐसे बोला, और बोला फ़ोन वाइब्रेट सा कर रहा है। मैंने कहा अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं। मेरे को वो बेसिक सी छोटी सी दिक्कत लग रही थी, लेकिन उसने 1 दिन और लेने के बाद टोटल 3 दिन बाद मेरे से मना कर दिया कि इसका शायद मदरबोर्ड ख़राब हो गया है। मैंने कहा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने वो फ़ोन उठाया, यही वाला, और दूसरे फ्रेंड को दे दिया। मैंने भाई फ़ोन को चेक कर क्या दिक्कत है। 2 दिन बाद उसने बोला कि इसकी चिप में इशू हो गया है और मैं इसे चेक नहीं कर पा रहा, तो आप इस वाले दुकानदार पर ले जाओ। मैं उस दुकानदार पर ले गया, वो बोलता है कि इसको रिपेयर कर दूंगा लेकिन मैं 2,000 रुपये लूँगा। मैंने कहा ठीक है, इसे रिपेयर कर दो, 2,000 रुपये ले लेना, लेकिन गारंटी ले लेना कि ये फ़ोन चल जाए। तो वो बोलते हैं गारंटी वारंटी नहीं है, यहीं पर चेक कर लेना। मैंने कहा यार ये भी इशू है। मैं उसके बाद एक और दुकान वाले पर ले गया, उस पर 3 दिन रखा, वो भी ठीक नहीं कर पाया। जब चारों तरफ से देख लिया तो मैंने सोचा कि सर्विस सेंटर से जानकारी लेता हूँ, मदरबोर्ड सभी लोग खराब बता रहे हैं, तो मदरबोर्ड कितने रुपए का डल जाएगा। इसका मदरबोर्ड 8,000 रुपये का डल रहा, और देखो किस तरीके से ये वारंटी में होने के बाद भी हमें 8,000 रुपये देने पड़े, वो मैं आपको समझाता हूँ। उसके बाद मैंने सोचा यार 8,000 रुपये काफ़ी ज़्यादा होते हैं, एक काम करता हूँ, जो मदरबोर्ड पुराने होते हैं तो कहीं से पुराने मदरबोर्ड की जुगाड़ करवा लेता हूँ और उस मदरबोर्ड को इस फ़ोन में डलवा लूँगा। मेरे को कहीं से जानकारी दी थी किसी दोस्त के द्वारा कि जो पुराने मदरबोर्ड होते हैं 2,000-2,500 में मिल जाती हैं, तो बेकार में 8,000 रुपये खर्च करके क्या करेगा। मैंने उसको बोला, 2-4 फ्रेंड और थे उनको बोला कि किसी की नज़र में कोई मदरबोर्ड हो तो मेरे को बता देना। काफ़ी लंबा टाइम बीत गया, 20 दिन के लगभग हो गए, किसी की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। कुछ लोगों की तरफ से रेस्पॉन्स आया, तो ये 8 GB वाला मदरबोर्ड है इसमें, लेकिन हमें 6 GB वाला मिल रहा था, तो मैंने खुद ही मना कर दिया था। फाइनली जब कहीं से सॉल्यूशन नहीं मिला तो हमने सोचा एक काम करते हैं, हमारे आगरा में सहा मार्केट है जो कि मोबाइल की बहुत ही बड़ी मार्केट है, तो मैं वहाँ पर जाने का फैसला किया और मैं वहां पे गया। मैंने वहां पे बहुत सारे दुकान वालों को दिखाया तो मोस्टली लोगों पर मदरबोर्ड था नहीं, जिस पे था वो 5,000 रुपये का दे रहे थे। तो मैंने सोचा यार जब 5,000 रुपये इसमें लगाऊंगा तो सर्विस सेंटर से ठीक कराऊं तो 8,000 रुपये में हो जाएगा, तो 3,000 एक्स्ट्रा देने हैं, लेकिन सर्विस सेंटर वाले नया डाल के देंगे, दूसरे लोग सेकंड हैंड दे रहे हैं। तो मैं सर्विस सेंटर गया तो सर्विस सेंटर पर मैंने बोला कि ये अभी वारंटी में है। उन्होंने इसको खोला, उन्होंने बोला ये आपने बाहर खुलवा लिया तो इसकी वारंटी हट चुकी है। दूसरी चीज़, कभी भी ये फ़ोन अगर आधे घंटे भी पानी में गिर जाए और उसके बाद भी आप इसे यहाँ सर्विस सेंटर ले जाते हो तो इसे ठीक कर देंगे वो, लेकिन हमने ओपन कर दिया था तो उस वजह से जो पानी था वो और अंदर तक चला गया था। तो ये हमारी एक गलती थी जिस वजह से
इस फोन के लिए हमें अब 8000 रुपए देने पड़ रहे हैं। अभी आपको स्टोरी पूरी सुनाता हूं। पहली चीज, ये फोन अगर हम तुरंत सर्विस सेंटर ले जाते तो वारंटी के अंदर था, और प्लस ये फोन मतलब सेमी वाटरप्रूफ था, तो इससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली थी। मतलब वो पानी वो ठीक कर देते, पानी वैसे तो अंदर गया नहीं होगा, गया होता तो थोड़ा बहुत गया होता, वो ठीक कर देते। तो पहली हमारी गलती थी इसको खोलना, मेरी फैमिली ने खोला, वो गलती। दूसरी हमारी गलती ये थी कि उन्होंने खोल दिया तो मेरे को मार्केट नहीं ले जाना चाहिए था। मार्केट जिन पे डाला उन्होंने 3 दिन तक फोन को देखा नहीं। तीसरे दिन जब मैं गया था, जब उन्होंने फोन देखा तो जब तक इसका पानी अंदर तक और जा चुका था, और जो इसमें शॉर्ट सर्किट हो गई थी उस वजह से। उसके बाद तीसरी मेरी मिस्टेक ये रही कि जब मैंने 3-4 जगह दिखा भी लिया, उसके बाद मैंने ये 20 दिन तक घर पे मोबाइल पड़ा रहने दिया, तो उसकी वजह से और सीलन अंदर चली गई, जिस वजह से जो मदरबोर्ड था वो टोटली डैमेज हो गया। उसके बाद जो मैं गलती करने वाला था, जो पर मैंने सुधार ली, वो ये था कि सेकेंड हैंड मदरबोर्ड डलवाने की। मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी भी फोन में अगर आप सेकेंड हैंड मदरबोर्ड डलवा लेते हो तो वो EMI नंबर, IMEI नंबर जो होता है या EMI नंबर होता है, वो चेंज हो जाता है। तो हुआ क्या कि वो किसी और फोन का मदरबोर्ड डालेंगे, अगर उस फोन से कोई भी गलत एक्टिविटी होगी तो उसका मदरबोर्ड अब इस फोन में आ जाएगा। तो अब इसको आप यूज करोगे तो वो एक्टिविटी आप कर रहे हो, अब आप इसमें शामिल हो गए, या वो इसमें से मदरबोर्ड जो खराब वाला निकालेंगे उसे रिपेयर करके किसी और के में डाल देंगे, और उस मदरबोर्ड को कोई यूज करके कोई गलत काम कर देगा तो भी आप ही फंसोगे। तो ये एक सबसे बड़ा इशू होता है। सर्विस सेंटर पे क्या होता है, आप जिस फोन को लेके जाते हो अगर उसमें मदरबोर्ड डलेगा तो उसका जो IMEI नंबर है वो सेम रहेगा नए मदरबोर्ड का भी, वो जो नया मदरबोर्ड मंगाते हैं उसका भी IMEI नंबर सेम रहता है। दूसरी चीज, आप मार्केट से डलवाते हो तो गारंटी वारंटी कुछ भी नहीं रहती, क्योंकि वो पुराना मदरबोर्ड होता है। उसी जगह आप सर्विस सेंटर से डलवाते हो तो पहली चीज की 3 महीने की वारंटी तो पार्ट की मिल जाती है जो मदरबोर्ड होता है, उसके बाद इसकी जो वारंटी हट चुकी है वो दोबारा से बढ़ गई, जितनी वारंटी है उतनी वारंटी मोबाइल की भी हो जाती है। लेकिन उसी जगह आप मार्केट से डलवा लेते हो तो इस पूरे सेट की वारंटी हमेशा के लिए हट जाती है। तो ये एक इशू था जो मेरे को आपको समझाना था कि कभी भी आपका फोन अंडर वारंटी है, छोटी सी भी मिस्टेक हो जाए तो किसी भी आसपास के मैकेनिक को मत दिखाइए, सीधा सर्विस सेंटर ले जाइए। 1 साल तक फोन में कोई भी दिक्कत आए सर्विस सेंटर वाले फ्री में करके देते हैं, बस फोन जला नहीं होना चाहिए, फोन टूटा नहीं होना चाहिए, और फोन में कोई भी मॉइस्चर ना जाना चाहिए। ये 3 कंडीशन नहीं हो तो जाके सीधा सर्विस सेंटर दिखाइए, ये 3 कंडीशन हो भी जाए तो भी सर्विस सेंटर दिखाइए, क्योंकि वो पैसे लेके इसमें जो भी डालेंगे वो ओरिजिनल चीज़ डालेंगे, गारंटी वाली डालेंगे, फोन की वारंटी डैमेज नहीं होगी, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदे मिल जाएंगे। अब मैं मानता हूँ कि मेरे 8000 इसमें भले ही जा रहे हैं, लेकिन ये फ़ोन बाकायदा सर्विस सेंटर से बन के आएगा तो एकदम प्रॉपर नया मदरबोर्ड डल के आएगा, और प्रॉपर ये उसी तरह से काम करेगा जिस तरह से ये पहले काम करता था। आपको एक अच्छी बात बता देता हूँ कि ये फ़ोन की रेट 22000 है, लेकिन हमने 16600 में ये ख़रीदा था, क्योंकि 4 महीने के अंदर जो इंडिया में मोबाइल फ़ोन है उनकी रेट बढ़ चुकी हैं, क्योंकि इन मोबाइल्स के अंदर जो चिप जो लगती हैं जो IC लगती हैं उनकी रेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, इंडिया में उनकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम हो रही है, इस वजह से मोबाइल्स की रेट आगे बढ़ती जाएंगी, अभी आगे इन फ्यूचर भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगी। हमेशा मोबाइल फ़ोन्स की कीमत गिरती थी, लेकिन अब की बार इन मोबाइल फ़ोन्स की कीमत काफ़ी ज़्यादा हाई होती जा रही हैं। तो बस इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, इसीलिए ब्लॉग नहीं आ पा रहे, 2-3 या 4 दिन और लगेंगे, उसके बाद ये फोन ठीक हो जाएगा और वापस आ जाएगा, फिर से हम ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देंगे। तो बस ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी वो कमेंट करके बताना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए। थैंक यू आज की ये वीडियो देखने के लिए।